हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? एकदम फर्स्ट क्लास? चलो भाई, नया दिन नया टॉपिक, और आज तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है ना, मार्केटिंग मैनेजमेंट, राइट? दिस इज़ वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर इन बिजनेस स्टडीज़। बच्चे बिजनेस स्टडीज़ जब जब पढ़ते हैं, एंड में आते आते उन्हें लगता है भैया सब कुछ तो हो गया, लेकिन ये मार्केटिंग मैनेजमेंट कैसे होगा, ठीक है ना? तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आप वैसे ही समझदार बच्चे हो, मुझे पूरा भरोसा है आप पर, ठीक है ना? बस अब मेरे साथ साथ देखो क्या हो रहा है, ठीक है ना? तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या है, मार्केटिंग, क्या रहने वाला है, मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज, मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज। देखो भाई, हर बंदे का अपना अपना तरीका है काम करने का। बिल्कुल सर, देखो हमारा ही तरीका अलग है, बिजनेसमैन का तो छोड़ो सर। एक बच्चा ऐसा मिला मेरे को अभी अप्रैल में मिला, कह रहा है सर, मैं बा और भाई बच्चे क्या कर रहे हैं आजकल? कह रहा है सर क्या करना, बोर्ड्स हैं, 12th स्टैंडर्ड है, पढ़ाई चालू है। मैंने बोला अभी सही? कह रहा हाँ सर बिल्कुल अभी सही, तभी तो मिशन 100 पूरा होगा। मैंने बोला बात तो सही कह रहा है। चलो भाई, एक और बच्चा मिला अक्टूबर में मेरे को, कह रहा है सर पढ़ना शुरू कर दिया मैंने। मैंने बोला क्या बात है, बहुत समझदार है भाई तू भी। और एक बच्चा है जो वीडियो देख रहा है, नालायक बच्चा, वो कह रहा है सर देखो मैं तो अभी भी वीडियो देखूंगा ना, अभी भी कॉन्सेंट्रेट करूंगा ना, तो मिशन 100 लाया जा सकता है। तो देखो अलग अलग फिलोसफीज हैं बच्चों की, ठीक है ना? चलो भाई, उसी हिसाब से बिजनेस की फिलोसफीज भी अलग अलग है, ठीक है ना? मार्केटिंग मैनेजमेंट कंसेप्ट भी अलग अलग तरीके से, अलग अलग सोच के साथ अप्लाई करा जा सकता है। तो नंबर 1 विल बी प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। अलग अलग कॉन्सेप्ट हमने यहाँ सीखने हैं, प्रोडक्शन कंसेप्ट। आओ भाई देखें, अब आप समझते हो ना प्रोडक्शन का मतलब, तो आप समझते हो सर प्रोडक्शन का मतलब तो किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर करना होता है, बनाना होता है, ठीक है ना? तो यहाँ पर पता है क्या है, यहाँ पर कंपनीज की सोच क्या रहने वाली है, कंपनी यहाँ पर पता है क्या सोचेगी, कंपनी कह रही है हमें लगता है, कंपनी कह रही है हमें लगता है कि जो सामान इनएक्सपेंसिव होते हैं ना, इनएक्सपेंसिव मतलब कंपैरेटिवली चीपर, थोड़े सस्ते, और साथ में वो सामान जो इजीली अवेलेबल हो सकता है या होता है, इजीली अवेलेबल, ठीक है ना, वो सामान जो इनएक्सपेंसिव हो, सस्ता हो, और साथ में जो इजीली अवेलेबल हो, उन सामान को बेचने में ही भलाई होगी उनके हिसाब से, ऐसा है, ठीक है? अब उस लोग लो चाहते पता है क्या होंगे, वो चाहते होंगे कि सामान को सस्ता बेचेंगे ना तब कंज्यूमर खरीद लेगा, और जो सामान इजीली अवेलेबल है उसकी डिमांड भी क्रिएट हो ही जाएगी, ठीक है ना? तो वो क्या करेगी, उनको सारा जो बर्डन है ना वो क्या करती है, वो कॉस्ट को लो करने के चक्कर में लगी रहती है, लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसका सारा पर्पस ही है। वो समझ चुकी है कि सस्ता सामान ही मार्केट में बिकेगा, और सस्ता सामान करने के लिए हमें अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करना ही पड़ेगा। इसका मतलब ज्यादा चीजें प्रोड्यूस करो, ज्यादा बनाओ, ज्यादा क्वांटिटी में बनाओगे तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी, कम पड़ेगी, हाँ कि ना? अब कैसे एग्जाम्पल मैं दूं आपको, ये देखो एक फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री में पहले सिर्फ कितने यूनिट्स ही बनते थे, 1000 यूनिट्स बनते थे, और उसका किराया कितना था मंथली, मान लो 40,000 पर मंथ, उस फैक्ट्री का किराया था 40,000 पर मंथ, और वो लोग 1000 यूनिट बनाते थे, कितना बनाते थे, 1000 यूनिट। अब देखो, अगर मैं 40,000 को जो किराया फिक्स्ड है, देना ही देना है, अगर मैं 1000 यूनिट से डिवाइड करूं तो देखो पर यूनिट हमें कितना पड़ा, पर यूनिट हमें पड़ा 40 का। लेकिन अगर मैं 1000 की जगह यूनिट्स बनाने लग जाऊं, कितने, इसको बढ़ाकर मैं कितना बनाने लग जाऊं, ज्यादा प्रोडक्शन अगर करने लग जाऊं 2000 यूनिट्स की, तो देखो जरा क्या होता है। अब आप कहोगे सर दिखाओ, मैंने बोला देखो 40,000 के खर्चे को अगर मैं नंबर ऑफ यूनिट्स कितने से डिवाइड कर दूं, तो वही मेरी, खुद बताओ आपके सामने, मुझे पहले जो कॉस्ट 40 रुपये पर यूनिट पड़ती थी, अब मेरे को वो कॉस्ट 20 रुपये पड़ने लग गई। खुद बताओ जरा, जब मेरी कॉस्ट 40 से घटकर कितनी हो गई है, 20 हो गई है, तो मैंने अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस कर लिया है। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को मैं जब भी रिड्यूस करूंगा, अपनी कॉस्ट को जब जब मैं कम करूंगा, उसका मतलब है मैंने उतने उतने अमाउंट से अपने प्रॉफिट को बढ़ा दिया। कॉस्ट जितने रुपए से कम होगी उतने रुपए से मेरा प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। तो यही है प्रोडक्शन कंसेप्ट। प्रोडक्शन कंसेप्ट में यही सोच रहती है कंपनीज की कि वो सामान जो इनएक्सपेंसिव हो और जो इजीली अवेलेबल हो उसको बेचो, और उसको बेचना तभी होगा जब हम लार्ज क्वांटिटी में मास प्रोडक्शन करेंगे। मास प्रोडक्शन का मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे। आज जैसे कि आपने देखा, जब हम 1000 यूनिट बनाते थे तो पर यूनिट खर्चा 40 रुपये का पड़ता था,
लेकिन जैसे हमने अपनी आउटपुट को 1,000 यूनिट से बढ़ाकर कितना बनाना शुरू कर दिया, 2,000, तो मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो पर यूनिट 40 रुपीज़ पड़ती थी, 40 पर यूनिट पड़ती थी, अब वो मेरे को 20 पर यूनिट पड़ने लग गई। तो मेरी कॉस्ट पूरी आधी हो गई, मेरी लागत पूरी आधी हो गई, मेरे खर्चे आधे हो गए, खर्चे आधे हो गए, तो ऑटोमेटिकली मेरा प्रॉफिट उतने से और इंक्रीज हो गया होगा। तो अल्टीमेट जो गोल है प्रॉफिट कमाने का, वो ऐसे पूरा करा। मतलब प्रोडक्शन कंसेप्ट में प्रॉफिट कैसे कमाया जाता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करके, ठीक है ना। चलो जी, ये हो गया प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। सेकेंड विल बी प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कंसेप्ट भाई, प्रोडक्ट कंसेप्ट, हम देखो जितने भी कंसेप्ट सीखेंगे ना, उन सबका मेन पर्पस आपने याद रखना है। क्या याद रखना है आप लोगों ने, कि हमारा मेन पर्पस यहाँ पर यही है कि मुनाफा कमाना है। देखो ये तो बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव है ही, तो उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के हर बंदे के अपने अपने तरीके हो सकते हैं। जैसे कि हमने प्रोडक्शन कंसेप्ट में अपना एक तरीका सीखा। प्रोडक्ट कंसेप्ट क्या कहता है, प्रोडक्ट कंसेप्ट कहता है कि बिजनेस का मेन मोटिव तो है प्रॉफिट कमाना, बिल्कुल, लेकिन वो कहते हैं प्रॉफिट तभी कमाया जा सकता है जब हम हाई क्वालिटी सामान बेचेंगे। इनकी अपनी सोच है, हाई क्वालिटी सामान बेचेंगे, या सिंपली बोलूँ तो सुपीरियर क्वालिटी का सामान अगर बेचा जा रहा है, तभी गुडविल बनेगी, तभी इमेज बिल्डिंग होगी ऑर्गेनाइजेशन की, और तभी माल बिकेगा। लेकिन इनको भी एक समस्या का सामना करना पड़ता है, सिर्फ गुड क्वालिटी से हाई क्वालिटी से बात नहीं बनती। अब देखो, एक बहुत ही बढ़िया एक कंपनी है जो बहुत ही अच्छे, मान लीजिए आप बहुत ही बढ़िया कंपनी की बुक्स बनाती है भाई, फुल ऑफ नॉलेज, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस, फ्लो चार्ट्स, वर्किंग नोट्स, सब कुछ है भाई इस किताब के अंदर। क्वालिटी तो सर हाई है, मैंने बोला बिल्कुल, देखो जरा कितनी बढ़िया किताब है। लेकिन बताओ कुछ नालायक, ये देखो नालायकों की तो भीड़ है, आप जानते हो मार्केट में स्टूडेंट्स नाम से कुछ नालायक बच्चे घूम रहे हैं, जिनको आप बता दो, समझा दो कि भैया ये बुक में इतनी सारी क्वालिटीज़ हैं, सारी नॉलेज है, सारे कंसेप्ट हैं, वो कहेंगे अरे सर ले लेंगे, क्या करना है इतनी मेहनत करके। इसका मतलब सिर्फ हाई क्वालिटी बनाने से पर्पस पूरा नहीं हो रहा है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो इसका इस्तेमाल बेचारे या तो ना नहीं करेंगे, या मुसीबत आने पर ही करेंगे। तो बताओ हाई क्वालिटी बनाने वाला भी जरूरी नहीं अपना पूरा सामान अच्छे से बेच पाएगा, क्योंकि ये लोग सिर्फ और सिर्फ तभी खरीदेंगे जब इन पर क्या आएगी, मुसीबत आएगी। मुसीबत मतलब जब इनको नीड अराइज होगी तभी उस सामान के लिए भागेंगे। तो ये खामी है कहीं ना कहीं, मतलब जरूरी नहीं है मतलब हाई क्वालिटी से हमेशा बात बनेगी। तो ये बात तो आपको समझ में आई। बहुत सारी क्वालिटी, हेयर डाई है, अब जब तक आपके बाल सफ़ेद नहीं होंगे तब तक आप उसकी डिमांड नहीं करोगे, भले उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, हाँ कि ना, बुढ़ापे में करोगे उसका इस्तेमाल आप लोग, ठीक है ना। तो जब ज़रूरत अराइज होगी तभी आप उसे यूज़ करोगे, भले आपको आज से ही पता है, अभी दिखता है आपको कि उसकी क्वालिटी तो बहुत अच्छी है। तो प्रोडक्ट कंसेप्ट फोकस करता है हाई क्वालिटी और सुपीरियर प्रोडक्ट्स पर, हाँ कि ना। चलो आओ ज़रा पॉइंट नंबर थ्री। पॉइंट नंबर थ्री कहते हैं सेलिंग कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट, सेलिंग। सेलिंग कॉन्सेप्ट का मतलब है माल बेचो, बात खत्म सर, माल बेचो, सेलिंग व्हाट यू हैव, याद रखने वाली बात है, सेलिंग व्हाट यू हैव। सर इस बात का मतलब, ये तो फ्रेज हो गया, ये फ्रेज का मतलब पता है क्या है, कि यहां पर जो सारा ध्यान दिया जा रहा है ना वो प्रोड्यूसर पर दिया जा रहा है। मतलब प्रोड्यूसर जो सामान बना रहा है, मैन्युफैक्चरर जो सामान बना रहा है उसे बेच दो, उसे सेल कर दो। कस्टमर के क्या नीड है, कस्टमर के नीड्स और वॉन्ट्स को तो छोड़ ही दो सर आप। यहां पर कंपनीज मदद कर रही है कस्टमर की, नहीं कस्टमर के नीड्स और वॉन्ट्स पे तो यहां पर बात ही नहीं हो रही है। देखो कितनी गलत बात है, प्रोड्यूसर उन्हें जो बना के दे रहा है वो उन्हीं को बेचने में लगे हुए हैं, बाय हुक और बाय क्रुक, बाय हुक और क्रुक। मतलब उनका पर्पस क्या है, सामान बेचो जो प्रोड्यूसर बना रहा है, जो मैन्युफैक्चरर बना रहा है उसे बेच डालो, ऐसे ऐसे तरीके अपनाओ, भले ही फेक एडवर्टीजमेंट कर डालो, एग्रेसिव सेलिंग करो, प्रमोशनल एफर्ट्स डालो, सामान बेच दो, बात खत्म। ये तो बड़ी गलत बात लग रही है भाई, बिल्कुल बिल्कुल, वो तो क्या कह रहे हैं, सामान बेचो भाई, मैनिपुलेट करो। लेकिन वो ये भूल जाते हैं, नालायक है ना, देखो कंपनीज वाले भी हमेशा नहीं है समझदार, वो ये भूल जाते हैं कि अगर बहुत ही बारी ना मैनिपुलेशंस करोगे ना, बहुत सारी चाले बार बार, एक बारी देखो कोई हमें बेवकूफ बना सकता है कस्टमर को, हाँ कि ना, बार बार करोगे तो भैया इमेज जो है ना, जो बनाई है आपने बहुत मुश्किल से बनाई थी, उसे स्पॉइल कर लोगे, ऑटोमेटिकली इमेज क्या हो गई, ड्रॉप हो जाएगी, आपकी गुडविल खत्म हो जाएगी, बदनाम हो जाओगे, और बदनाम हो जाओगे तो शॉर्ट रन के अंदर तो कमा लिया जितना कमाना था,
लोगों को झूठ बोल के, झूठी झूठी एडवर्टीजमेंट करके, फेक प्रमोशंस करके शॉर्ट रन में तो कमा लिया, शॉर्ट रन पे तो स्माइल आ गई ना, बिल्कुल आई है देखो कितनी बड़ी। लेकिन ये बिजनेस कभी भी कब नहीं सरवाइव कर पाएगा सर, ये लॉन्ग रन के अंदर रन नहीं हो पाएगा, और ये इसके आंसू तो निकलने तय समझो सर। देखो बिल्कुल भाई गलत काम का गलत नतीजा, मतलब सेलिंग कंसेप्ट का मतलब यही है, एक गंजे आदमी को कंघी बेच देना। बताओ बेचारे की जरूरत ही नहीं थी, अब तो प्रोड्यूसर ने कंघी बना दी, उसने बेच भी दी दूसरे बंदे को जिसको जरूरत भी नहीं है, मतलब उसके नीड्स और वांट्स का तो ख्याल ही नहीं रखा जा रहा, सिर्फ ख्याल रखा जा रहा है चेहरे पर स्माइल आएगी सिर्फ प्रोड्यूसर के, क्योंकि सेलिंग कंपनी लगी हुई है प्रोड्यूसर का ध्यान रखने के लिए, उसे कस्टमर के नीड्स और वांट्स से कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है भाई बच्चों आ जाएं जरा फोर्थ पॉइंट पे, आओ सर। देखो भाई अगली हमारी जो बात है वो ये है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, राइट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं कंप्लीट लगता है। आप कहेंगे सर किस सेंस में आप कह रहे हैं, मैंने बोला देखो अभी हमने जो ऊपर बात करी है ना वो बड़ी अजीब है, वो हमें बढ़िया नहीं लगती है। इसका मतलब सर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट किस पर फोकस करती होगी, हमने लास्ट टॉपिक में अपने पॉइंट नंबर 3 में क्या सीखा है कि किसके नीड्स का ध्यान रखा जाता है, पिछले केस में देखो हमने देखा क्या देखा था, प्रोड्यूसर का ध्यान दिया जाता है, किसका, प्रोड्यूसर का, वो जो बना रहा है सेलिंग कंपनी उसे बेचने में लगी हुई है, किसके नीड का ध्यान नहीं देती थी, कस्टमर का। तो यहां पर बस यही तो फर्क है, यहां पर कस्टमर के नीड्स का या कस्टमर के वॉन्ट्स का ख्याल रखा जाता है, कस्टमर जो चाहता है, कस्टमर जो चाहता है, कस्टमर की क्या नीड है, कस्टमर को क्या चीज सूट करेगी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन है कि नहीं है, उसके हिसाब से ही गुड्स बनाए जाते हैं और बेचे जाते हैं, इसी से कस्टमर को क्या मिलती है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो यहां पर सारा का सारा दारोमदार किस वर्ड पर है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, मतलब यहां पर बेचो कोई दिक्कत नहीं है, एडवर्टीजमेंट यहां पर भी करो, सब कुछ करो, गुड क्वालिटी के सामान बेचो, प्रॉफिट भी कमाओ, कोई मनाही नहीं है, लेकिन आप यहां पर कस्टमर की नीड को समझो, उसकी जरूरतों को समझो, रिजनेबल प्राइस उससे चार्ज करो, मतलब बढ़िया तरीके से काम करो और मुनाफा कमाओ तो कोई समस्या नहीं है, मार्केटिंग कंसेप्ट का मतलब ही है, मतलब मार्केटिंग कंसेप्ट फोकस कर रहा है सीधा कस्टमर पर, सेलिंग कॉन्सेप्ट फोकस कर रहा था प्रोड्यूसर्स पर, मदद ही कर रहा है वो प्रोड्यूसर की, वो कह रहे हैं हम ये बना के दे रहे हैं आप बस बेच डालो, कैसे भी बेच डालो, लेकिन मार्केटिंग कॉन्सेप्ट हर चीज को आइडेंटिफाई करता है और बेटर मार्केटिंग टेक्निक्स लगाता है जिसके थ्रू वो प्रॉफिट कमाता है एक एथिकल वे में, जिससे उसका सर्वाइवल पक्का है, निश्चित हो जाएगा, वो लॉन्ग रन में भी उसके चेहरे पर बहुत बड़ी स्माइल रहेगी, क्योंकि वो कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं अपना रहा, वो बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन का मतलब उसका गोल क्या है, सिंपल सी बात अगर मैं बोलूँ तो उसका गोल एक ही है, वो कह रहा है भैया मेरा एक ही गोल है, मैं कस्टमर को सेटिस्फाई करना चाहता हूँ और करता रहूंगा। मैंने बोला बहुत बढ़िया बात है भाई, देखो कितनी अच्छी बातें करता है ये वाला कंसेप्ट। इसी को, इसी कंसेप्ट के अगेंस्ट छोटा सा एक कंसेप्ट है जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है, सोसाइटल कॉन्सेप्ट, सोसाइटल कॉन्सेप्ट। सर ये कैसा कंसेप्ट हो, मैं बस सोसाइटल मतलब कहीं ना कहीं इट इज रिलेटेड विद सोसाइटी, ये कहता है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जरा मेरी बात सुनो। उन्होंने बोला सुनाओ जी। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में क्या बोला जा रहा है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन पर ख्याल रखना था, बिल्कुल हमने ये सीखा है, मतलब क्या कस्टमर के नीड्स को पूरा करते चलो, कस्टमर के हिसाब से जो कस्टमर चाहता है वो सामान बनाते चलो, सोसाइटी वाला कह रहा है बात तो आप सही कह रहे हो, लेकिन कभी कभार जो कस्टमर होता है ना वो नालायक होता है, देखो जरा कस्टमर नालायक कैसा दिखता है, मैं कस्टमर नालायक की शक्ल ऐसी होती है। अब वो नालायक कस्टमर पता है क्या कहता है, नालायक कस्टमर कहता है भाई मेरे को तो क्या चाहिए, मान लो ड्रग्स चाहिए। अब बताओ कस्टमर को सेटिस्फाई करने का मतलब तो ये हुआ कि सेलर कंपनी जो है ना उसके एक बारी कहने में उसे क्या प्रोवाइड कर दे, ड्रग्स प्रोवाइड कर दे, ऊपर वाली बात तो यही है, तभी कस्टमर सेटिस्फाई होगा। लेकिन जरा मुझे एक चीज बताओ, कस्टमर को सेटिस्फाई करे जिससे सोसाइटी डिस्टर्ब हो जाए, और वो एक्टिविटीज जो अनएथिकल है, जिसको लॉ क्या कहता है, अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसीज, मतलब वो चीजें सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो सोसाइटल कंसेप्ट यही कहता है कि सामान बनाओ बिल्कुल कस्टमर सेटिस्फेक्शन तो हम भी चाहते हैं, लेकिन कस्टमर सेटिस्फेक्शन के साथ में हम एनवायरनमेंट का भी ख्याल रखना चाहते हैं, अगर एनवायरनमेंट डिस्टर्ब होगा तो ऐसी सेलिंग का कोई फायदा
नहीं है आज नहीं तो कल वो चीज़ सोसाइटी को भी, कंज्यूमर को खुद भी नुकसान पहुंचाएगी। इसी से आपके बिजनेस को भी लॉन्ग रन में जाके समस्या उठानी पड़ जाएगी। बिल्कुल हाँ कि ना? ठीक है भाई स्टूडेंट्स, तो ये पांचों कॉन्सेप्ट करने में देखो कितनी आसानी हुई। ठीक है ना भाई, तो यही हमारा आज का टॉपिक था, छोटा सा लेकिन बहुत ही लॉजिकल बातें हैं भाई, सीखनी है आप लोगों को बहुत अच्छे से। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट और सोसाइटल कॉन्सेप्ट। ठीक है भाई, तो ये हमारा टॉपिक था। फटाफट से अगर आप कहो तो मैं 2 मिनट में आपको एक बार इसका डिफरेंस बता दूं। आप कहोगे सर बताओ एक बार, मैं बार डिफरेंस देख लो। वैसे तो वही सारी बातें हैं लेकिन इसे दूसरे तरीके से भी देखा जा सकता है 2 मिनट के अंदर। आओ जरा स्टार्ट करें। डिफरेंसेस में नंबर 1 पॉइंट, सबसे पहले हम ऊपर लिख लेते हैं हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के बारे में, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। सेकेंड रहेगा प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, हाँ कि ना? तीसरा रहेगा सेलिंग कॉन्सेप्ट, फिर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट और लास्ट सोसाइटल। यही तो हैं बातें। आओ जरा फटाफट से जरा इसका कुछ बात है। लेकिन पहली बात है कि स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से होगा, इसका शुरुआत कहाँ से होती है। तो स्टार्टिंग पॉइंट रहने वाला है इसकी फैक्ट्री से। बिल्कुल सर, माल बनना अच्छा या बुरा, लार्ज क्वांटिटी में हो चाहे हाई क्वालिटी में बात हो, तो उसका रिलेशन तो फैक्ट्री से ही शुरू है। क्योंकि प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट कहता था गुड क्वालिटी को छोड़ दो, सस्ता सामान बनाओ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करो। तो वो सामान तो बन रहा है फैक्ट्री से ही, तो मतलब स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो फैक्ट्री है। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट कहता था हाई क्वालिटी का बनाओ, तो हाई क्वालिटी भी बनेगा तो फैक्ट्री में। बिल्कुल, सेलिंग कॉन्सेप्ट भी क्या कहता है, सामान बेचो। और प्रोड्यूसर का ख्याल रखता था, याद करो, तो प्रोड्यूसर भी माल कहाँ बना रहा होगा, फैक्ट्री में। बिल्कुल, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट तो बात ही करता है, मार्केटिंग का मतलब ही है, स्टार्ट कहाँ से होगा, मार्केट से। और इसका रिलेशन है मार्केट प्लस सोसाइटी, मार्केट प्लस सोसाइटी। ठीक है ना, ये देखो मतलब ये पहला पॉइंट हम नाम दे रहे थे इसका, स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट। सेकंड देख लेते हैं, स्टार्टिंग है मेन फोकस, मतलब चाहते क्या है ये। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट का रिलेशन था क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी बननी चाहिए, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, ज़्यादा सामान बेचो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करके, सस्ता माल बेचो। मैं यहाँ फोकस कर रहा था वो क्वांटिटी पर, यहाँ याद करो क्या करता था, क्वालिटी पर। सर क्वालिटी, वो कहता रहा हाई क्वालिटी सामान बनाओ, हाई क्वालिटी। यहाँ कहता रहा ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी बनाओ, ज़्यादा क्वांटिटी बनाओ कम दाम पर बेचो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करो और ज़्यादा मुनाफा कमाओ। यहाँ पर मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करो, अपनी लागत कम करो तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। यहाँ कहता था महंगा भेज दो लेकिन क्वालिटी क्या होनी चाहिए, बेस्ट। यहाँ क्या था, यहाँ तो था बाय हुक और क्रुक, सामान बेचो, बात खत्म। यहाँ तो सारा फोकस कस्टमर सेटिस्फेक्शन पर था, और यहाँ तक कस्टमर सेटिस्फेक्शन के साथ साथ सोसाइटी का वेलफेयर हो, या सोसाइटी को या एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो सर, हाँ कि ना? देखो कितना बढ़िया है। ठीक है भाई, आए जरा तीसरी बात पर, आ जाओ जरा तीसरी बात, और इसको हम अपने खत्म करते हैं इस बात को, अब एंड पर आ जाते हैं। अल्टीमेट पर्पस क्या था, प्रॉफिट कमाना, ये तो है ही, लेकिन प्रॉफिट कैसे कमाना, प्रॉफिट कमाना थ्रू लार्ज प्रोडक्शन, थ्रू लार्ज प्रोडक्शन, ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करके और सस्ता माल बना के। यहाँ पर था प्रॉफिट कमाना, बिल्कुल सर। ये देखो ये तो रहने ही वाला है, प्रॉफिट थ्रू कैसी क्वालिटी सामान देकर, हाई क्वालिटी माल बेचकर। यहाँ पर क्या था तीसरे में, प्रॉफिट कैसे, बस सेल्स को बढ़ा दो, जैसे भी माल बिके सेल्स को बढ़ाओ, प्रॉफिट बढ़ाओ, कुछ भी हो। यहाँ पर था प्रॉफिट कमाओ, लेकिन यहाँ सबसे बढ़िया बात थी प्रॉफिट कमाओ कस्टमर सेटिस्फेक्शन को बढ़ाकर, कस्टमर की तरफ ध्यान दो। और यहाँ था प्रॉफिट कमाओ, कोई मना ही नहीं है यहाँ पर भी भाई, कस्टमर सेटिस्फेक्शन को मद्देनजर रखते हुए, साथ में सोसाइटी और एनवायरनमेंट का भी ख्याल रखते हुए। ऐसे करते हुए हमारा चैप्टर का ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है भाई, बताओ जरा हैप्पी एंडिंग है तो बताओ। बिल्कुल सर, ठीक है भाई, कोशिश जारी है भाई आपकी टीचर की तरफ से भी, टीचर भी लगा हुआ है आपके साथ साथ, आपको भी लगना है बस। ठीक है बच्चों, हम देखो मिल के जर्नी कंप्लीट कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं भाई, लेकिन फोकस तो आप लोगों को अच्छे से करना ही पड़ेगा, तभी देखो चीज़ें समझ में आएंगी, इतनी आसान तो नहीं है। ठीक है, और वैसे भी ये पार्ट जो है ना मार्केटिंग मैनेजमेंट का, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तो है ही। ठीक है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है भाई, ऑल दी वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स, बाय बाय।